अस्सलाम वालेकुम शाहजी मोबाइल्स पर खुश आमदेद। दोस्तों वीवो ने आज Y21 के नाम से अपना नया फ़ोन पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है। आज इसकी फर्स्ट डे सेल है। 4 GB 64 GB में ये आता है और इसकी पाकिस्तान में प्राइस 28,000 रुपये रखी गया है। तो ये फ़ोन हमें भेजा है जो ननकाना साहब में वीवो के ऑथराइज डीलर हैं अब्दुल्ला मोबाइल वालों ने, जिनके नंबर भी आपको ये नज़र आ रहे होंगे। और अगर आप वीवो के ओरिजिनल फ़ोन ट्रस्टेड किसी बंदे से लेना चाहते हैं तो वो आप इनकी दुकान ये नोट कर लें। ये स्पॉन्सर भी हैं वीडियो के, तो बाकायदा शुरू करते हैं। इससे पहले आपको पता है वीवो के Y20 ने बड़ी धूम मचाई थी, अब उससे नेक्स्ट मॉडल Y21 आ गया है जो कि 28,000 रुपये का है। और वीवो के इस बजट के फ़ोन्स की पाकिस्तान में कामयाबी की वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि ये बिल्कुल खूबसूरत फ़ोन होते हैं और ऐसा लगता है जैसे फ्लैगशिप मॉडल्स हैं और उसी वजह से लोग इनको पसंद करते हैं। खूबसूरती बहुत होती है इनकी, पायदारी बहुत होती है। चलें शुरू करते हैं। इनके दो कलर्स आए हैं पाकिस्तान में, दोनों ही हमें अब्दुल्ला मोबाइल की तरफ से भेजे गए हैं। अच्छा जी, दोनों कलर्स में से नाम है जी मेटालिक ब्लू और डायमंड ग्लो। तो मेरा ख्याल है पहले हम डायमंड ग्लो खोल लेते हैं, बाद में आपको मेटालिक ब्लू भी दिखा देंगे। तो जैसे ही हम इसको बॉक्स से निकालते हैं, जैसा कि आपको पता है के ऊपर वाले एक पोर्शन में एक सिलिकॉन का केस मिलता है जो कि ये रहा सिलिकॉन का केस। अच्छा, इसके बाद हमें मिलती है हमारी डिवाइस। देखने में तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी मैंने बाहर तो नहीं निकाला, लेकिन ऐसा लगता है जैसे V21 है या V20 है। चले बाकी देखते हैं इसमें क्या है। इस बजट में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें फास्ट चार्जिंग जो है ना वो दी गई है। ये फास्ट चार्जर है जो कि 18 वॉट का है और इस फ़ोन की बैटरी चूंकि बहुत बढ़िया है 5000 mAh है, तो ये 18 वॉट का चार्जर है। और वीवो कंपनी क्लेम करती है कि ये 0 से 34 तक जाएगा 30 मिनट में, यानी कि आधे घंटे में ये 0 से 34% चार्ज कर देगा। तो उसके बाद इसमें साथ ये एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि इस बजट के फ़ोन में आपको USB 2 Type-C केबल मिल रही है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है। ये फिर एक सिम ट्रे निकालने के लिए इंजेक्शन पिन भी मौजूद है। चलें हम आते हैं हम अपने मोबाइल की तरफ, इसको हम इसमें से निकालते हैं। अब देखें इसकी आप लोग, अब आप देखें कि ये कितना खूबसूरत उन्होंने इसके ऊपर टेक्सचर दिया। वाकई क्या इसका नाम था डायमंड, इस कलर का नाम था डायमंड ग्लो। तो ये सच में डायमंड की तरह ग्लो कर रहा है अगर आप इसको गौर से देखें तो। इसका कैमरा पैनल भी आप देखें कितना खूबसूरती से फिनिशिंग में कमाल कर देते हैं ये वाले वीवो वाले। तो ज़रा आप गौर से एक दफ़ा इसमें देख लें डायमंड ग्लो वाकई है कि नहीं। बहुत खूबसूरत इसका कैमरा पैनल है। अलबत्ता इस रेंज में वो आपको फ्लैगशिप लेवल्स के कैमरे तो नहीं दे सकते। अब ये इतना ग्लो कर रहा है कि इसको फोकस करना भी मुश्किल है। बहरहाल इसमें डुअल कैमरा है, 13 MP का मेन है और साथ में 2 MP का इसको कैमरा दिया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें दी गई है और बहुत प्यारी फिटिंग है। अच्छा, अब आप नीचे देखें तो आपको टाइप सी चार्जिंग जैक के साथ माइक और 3.5 mm का ऑडियो जैक और लाउड स्पीकर मिलता है। ऊपर देखें तो आपको एक सिम ट्रे मिलती है, इसमें से निकाल के देखते हैं जी। ये हाइब्रिड नहीं है, ये तमाम फीचर्स इसमें मौजूद हैं, यानी कि आप दोनों मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं और दोनों सिम्स भी डाल सकते हैं और मेमोरी कार्ड भी। अच्छा मैं बताता चलूँ, ये 4 GB 64 GB में है, लेकिन जो वीवो वालों ने एक नई रिवायत चलाई हुई है वो इसमें भी है। इसमें 1 GB की एक्सटेंडेड मेमोरी की ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। अच्छा, इसमें जो मेमोरी कार्ड स्पोर्ट है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि 512 GB यानी कि 1/2 TB तक आप इसमें मेमोरी कार्ड से भी सपोर्ट हासिल कर सकते हैं, जो कि इस लेवल के फ़ोन में बहुत ज़्यादा है कि आप 500 GB से ज़्यादा आप इसमें मेमोरी कार्ड के ज़रिए रख सकते हैं। अच्छा, फिर आप देखें, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा इसका जो ये साइड वाला रिंग है, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है जो कि इन्होंने डीप करके लगाया है, ताकि अगर आप ऐसे देखें तो ताकि गलती से आपसे ये प्रेस ना होता रहे। और इसी में इसका पावर बटन भी होगा। ऊपर वॉल्यूम रॉकर दिया गया है। आप देखें इसका जो रिंग है जिसको हम कड़ा बोलते हैं रिंग, ये बहुत खूबसूरती के साथ इस दवा इन्होंने इसको बनाया है। चलिए हम इसको पावर भी देते हैं। अच्छा, इसमें वीवो आ गया। इसमें जो सेल्फी शूटर है ये इस बार इन्होंने 8 MP का इस्तेमाल किया है। तो 5000 mAh बैटरी है, 6.5 इंच का इसका ये डिस्प्ले है
और इसमें एंड्रॉयड और जो वीवो की अपनी लेयर है फन टच वो 11 इस्तेमाल की गई है। मीडिया टेक का हीलियो P35 प्रोसेसर इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो इस बजट में आप देखें कितना खूबसूरत ये फ़ोन है। अच्छा, अब जब तक ये ऑन होता है तो मैं तब तक इसका जो दूसरा कलर है मेरा ख्याल है वो भी हम देख लेते हैं, टाइम हो गया, उसको भी देख लें कि वो कलर कैसा है। अच्छा जी, वो जो कलर है उसका नाम है जी मेटालिक ब्लू। मेटालिक ब्लू, पहले ये ऑन हो गया, ये पहले इसका आप डिस्प्ले देख लें, फिर मेटालिक ब्लू भी देख लेते हैं। ठीक है जी, नाइस डिस्प्ले है, बहुत नाइस फ़ोन है। और अब्दुल्ला मोबाइल्स ननकाना साहब जो कि ऑथराइज डीलर हैं वीवो के ननकाना साहब में ज़िला में, तो उनके पास इसका तगड़ा स्टॉक आज आ चुका है। मैं इसके ऊपर एक दफ़ा ये कवर भी लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो मुझे उन्होंने भी बताया है कि हमारे पास, हमने, लो जी ज़बरदस्त कवर है जी, ऐसा लगता है कि कवर इसके ऊपर लगा ही नहीं है। प्रोटेक्शन के लिए भी अच्छा है, ये देखें स्क्रीन जो है वो नीचे टच नहीं होने देता क्योंकि इसके ऊपर उसकी लेयर आ गई है। चलें अब हम आते हैं मेटालिक ब्लू की तरफ, वो भी देख लेते हैं मेटालिक ब्लू। मेटालिक ब्लू आ गया जी, मुझे तो ये भी कलर को नया ही लग रहा है। लो जी, इसमें आप देखें तो आपको डायमंड कट्स तो नहीं नजर आएंगे, लेकिन ये मेटालिक ब्लू कलर है, डिफरेंट कलर है, मैंने तो पहले नहीं देखा। मुझे लगता है जैसे इस पर भी कुछ टेक्सचर ब्रिक ब्रिक से हैं जो कि शायद कैमरे की आंख उस हिसाब से नहीं देख पाएगी। बहरहाल ये मेटालिक ब्लू है, एक दफा इसको मैं साफ कर लूं। नहीं, ये साफ ही था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे साफ होने वाला है। तो ये है जी मेटालिक ब्लू, जिसके साइड पे ब्लूइश या मुझे तो पर्पल लग रहा है इसका ये जो रिंग है, साइड रिंग। बहरहाल डायमंड ग्लो मुझे पर्सनली ज़्यादा प्यारा लगा, बहुत ग्रेसफुल फोन है, बहुत ग्रेसफुल कलर है, और ये जो डायमंड कट्स हैं बहुत प्यारे हैं। तो ये साथ ही मेटालिक ब्लू भी आपको दिखा दिया। तो ये थी जी आज की वीडियो नए मॉडल के मुतालिक, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला शाहजी मोबाइल्स के प्लेटफॉर्म से फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।